बात अगली खबर की। फरीदाबाद सेक्टर 6 स्थित बोनी पॉलीमर कंपनी ने ले ऑफ के नाम पर 40 परमानेंट मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया गया है, जिसके खिलाफ सीडू के आह्वान पर सभी मजदूरों ने उप श्रम आयुक्त के सेक्टर 12 स्थित कार्यालय का घेराव किया। सीडू के उप प्रधान वीरेंद्र सिंह डंगवाल ने बताया कि पिछले 5 सालों से कंपनी के प्रबंधकों ने मिल कमेटी द्वारा प्रस्तुत मजदूरों की मांगों पर कोई संज्ञान नहीं लिया। लंबित मांगों को पूरा करने की बजाय मजदूरों को नौकरी से निकालना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री प्रबंधकों के द्वारा तानाशाही का रवैया अपनाया जा रहा है। मजदूरों को डीए की किस्त का भुगतान तथा इस वर्ष का दीपावली का गिफ्ट और बोनस तक नहीं दिया गया है। रेगुलर मजदूरों को काम से निकालकर उनके स्थान पर कैजुअल मजदूरों से फैक्ट्री का काम चलाया जा रहा है, जो किसी भी तरह से उचित नहीं है। निकाले गए मजदूरों के लिए आज उन्होंने उप श्रम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। अगर जल्द मजदूरों को वापस नहीं लिया गया तो मजदूर अपने हकों के लिए सड़कों पर उतरेंगे। बोनी पॉलीमर कंपनी में 17 साल से रेगुलर जॉब कर रहा हूँ। आज भी कंपनी के पास पूरा काम है, लेकिन कंपनी कम काम दिखा के प्राइवेट ठेकेदार के जो बंदे हैं उनसे काम करवा रही है, और जो कंपनी के परमानेंट बंदे हैं उन्हें काम कम दिखाकर, यानी ये झूठा व्यवहार बनाकर कंपनी बाहर निकाल रही है। पहले 30 आदमियों को बाहर निकाला, अभी 46 आदमी बाहर हैं। तो ये कंपनी की मनमानी लेबर कोर्ट की सहायता से और प्रशासन की सहायता से ये चल रही है। हमारा ये अनुरोध है कि इसको रोका जाए, नहीं तो सारे लेबर डिपार्टमेंट और ये मैनेजमेंट दोनों मिलकर जो कार्रवाई कर रहे हैं, मजदूर इसके लिए बहुत भारी आंदोलन करेगा, जो कि कहीं ना कहीं सरकार को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो हमारी इतनी ही रिक्वेस्ट है। आज हम बोनी पॉलीमर्स लिमिटेड कंपनी जो सेक्टर 6 में है, इसने 46 मजदूरों को ले ऑफ के नाम पर काम से बाहर निकाल दिया है। हमने 27 तारीख को इन्हें मजदूरों को ड्यूटी पर वापस लेने का नोटिस दिया था, लेकिन मैनेजमेंट ने, जो कंपनी की मैनेजमेंट है, उसने अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। हमने 5 तारीख को 5 दिसंबर को उसके मिल कमेटी जो हमारी है उससे मिल करके उस कंपनी के गेट के आगे शाम को 5 बजे गेट मीटिंग भी की है। उसमें भी हमने चेतावनी दी थी कि अभी समय है, समय रहते बोनी पॉलीमर्स लिमिटेड जो है हमारे हटाए गए मजदूरों को काम पर वापस ले, लेकिन अभी तक इस मामले पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। इसलिए आज हमने 10 तारीख को डीएलसी जो उप श्रम आयुक्त है उनके सेक्टर 12 स्थित कार्यालय पर घेराव का कार्यक्रम तय किया था। उसी निर्णय के तहत आज हम डीएलसी के कार्यालय पर एकत्रित हुए हैं और हम स्पष्ट तौर पर चेतावनी देना चाहते हैं, क्योंकि जो उप श्रम आयुक्त है उन्होंने भी, जब हमने नोटिस की कार्रवाई उनको दी थी, उन्होंने मैनेजमेंट को अभी तक बातचीत के लिए बुलाया नहीं और न ही निकाले गए कर्मचारियों को ड्यूटी पर वापस लेने के लिए कोई कदम, कोई कार्रवाई उनकी तरफ से हुई है। हम ये कहना चाहते हैं कि यदि हटाए गए 46 मजदूरों को ले ऑफ के नाम पर, डोमेस्टिक इंक्वायरी के नाम पर बिना किसी वजह से नौकरी से निकाला गया, ड्यूटी पर वापस नहीं लिया है, तो ये आंदोलन तेज़ होगा और इसकी आंच आगे भी जाएगी। हम डीसी साहब से भी मिलेंगे और हम यहाँ की कमिश्नर जो हैं मैडम जी उनसे भी मिलेंगे और यहाँ के जो मंत्री हैं लेबर मिनिस्टर उनसे भी बात करेंगे। इसलिए हम कहना चाहते हैं यहाँ की डीएलसी से कि समय रहते बोनी पॉलीमर्स लिमिटेड की मैनेजमेंट को हमारे मजदूरों की मांगों को लागू करने के लिए शीघ्र निर्देश देने का कष्ट करें। अगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो यह आंदोलन निश्चित तौर पर तेज होगा, क्योंकि आज फैक्ट्री का मुकम्मल जो मजदूर है परमानेंट, वो सारा छुट्टी लेकर के आज यहाँ पर आया हुआ है। पूरी फैक्ट्री बंद है, कोई किसी प्रकार का काम नहीं हो रहा है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि इस तरह की अशांति जो पैदा करने का प्रयास श्रम विभाग और मैनेजमेंट कर रही है वो ठीक नहीं है, क्योंकि आज महंगाई ऊपर चरम पर है और इस